अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और ये जो मेरी वीडियो है, ये मेरे घर में मेरे भतीजे की ढोलकी थी जो मैंने की थी, और उसकी आप वीडियो देख रहे हैं। आज तो रेसिपी मैं लेकर नहीं आई, और आज मैं वीडियो ये बनाई है मैंने अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए, अपने चैनल के लिए। मैंने कहा अपने व्यूअर्स को मैं दिखाऊं कि कैसे अरेंजमेंट करते हैं। अगर आपके घर में ढोलकी हो तो आप कैसे अरेंजमेंट करते हैं, कैसे हर चीज़ को पहले एक दिन पहले से आप सही तरीके से अरेंज करते हैं। ये मैंने लाइटिंग लगवा ली थी बाहर, क्योंकि अंधेरा था, रात का टाइम था ढोलकी के लिए, तो मैंने ये छोटे जो ये लाइट्स होती हैं ये मैंने बाहर लगवा ली थी। और सारा मेरा लॉन भी इसी लाइट से कवरेज हो गई थी, सारे मेरे लॉन में भी, कि आने वालों को अंधेरा महसूस ना हो। और ये जो कोयले आप देख रहे हैं, ये बारबेक्यू था, लाइव बारबेक्यू था हमारे घर में, जिसके लिए मैंने बीफ के कबाब थे और चिकन टिक्का था, मलाई बोटी थी और बिरयानी, चिकन बिरयानी थी, मीठे में गाजर का हलवा था। ये सब कुछ लाइव था, हमने सब कुछ लाइव, हमने कहा था कि गरम गरम खाना आए, क्योंकि काफ़ी सर्दी है और सर्दी में खाना ठंडा हो जाता है। तो हमने कहा था कि घर में आकर ये पकाएं और साथ साथ हम मेहमानों को सर्व करते जाएं, तो इसलिए सब कुछ लाइव हमने कुकिंग करवाई थी। और ये सब कुछ सामान अपना साथ लेकर आए थे। ये है चिकन बिरयानी की जो यखनी होती है, ये वो है, और ये मैंने पहले से अरेंजमेंट कर ली थी प्लेटों की, और सब चीज़ों की अरेंजमेंट मैं एक दिन पहले से कर ली थी। और ये सब साइफल हैं, इसमें सब खाना हमने सर्व किया था। और ये मेरा लाउंज है, इसमें मैंने सब देखे जर्द रंग की चादरें बिछवा दी थी। और ये सब आहिस्ता आहिस्ता ये जो कोयले थे ये थोड़े से हल्के हो गए थे, तो उसके ऊपर बारबेक्यू के लिए ये तैयारी कर रहे थे। मैंने कहा चले मैं वीडियो बनाकर और अपने चैनल के लिए एक वीडियो बना लूं। और ये मेहंदी का थाल है, मेरे भाई के बेटे की ढोलकी शादी है, तो उसकी ढोलकी मैंने अपने घर में की थी, तो जिसके लिए मैंने एक दिन पहले सब कुछ तैयारी कर ली थी। ये देखें लाउंज में मैंने कारपेट बिछा कर ऊपर जर्द जो चादरें होती हैं वो बिछवा दी थी। और ये काउंटर है मेरा, जो अक्सर आप मेरी वीडियोस में देखते हैं, उसके ऊपर ये सारे साइफल मैंने रख दिए। टेबल मैंने दरमियान में रखी थी गिफ्ट्स के लिए। मेरे बच्चों ने कहा आपने टेबल क्यों रखी है, मैंने कहा मैं गिफ्ट दूँगी तो उसके लिए मैंने टेबल रखी। ये मैंने सब लगवा लिए थे फूल, मैंने एक डेकोरेशन करने वाले को बुलाया था और उन्होंने सब डेकोरेट कर दिया था। ये चादरें भी सब बिछाई थी, और ये गाँव तक के कुशन वगैरह मेरे अपने हैं, ये मैं अक्सर अपने बच्चों की ढोलकियों के लिए यूज़ करती थी। और ये सारी जो लाइटिंग है ये सब, ये मेरा लाउंज है। ये अब मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने एक दिन पहले से अरेंजमेंट की थी और डेकोरेशन वाले को बुलाया था, उन्होंने सारा ये लाउंज मेरा सेट किया था फूलों से। इसमें जो कागज़ के फूल भी हैं और फ्रेश फूल भी हैं, फ्रेश जो फ्लावर्स होते हैं वो भी हैं, वो सब उन्होंने लगा दिए थे लड़ियों की तरह। और मैंने कहा कि ज़्यादा नीचे मत करें कि बच्चे खींचे ना और टूटे ना और गंद ना पड़े। और ये सब मैंने जो चाय की प्यालियाँ मैंने करने के लिए रख दी थी पहले से, मैंने कश्मीरी चाय बनानी थी। रात को हमारा ट्रेडिशन है कि जो भी ढोलकी और मेहंदी हो तो उसमें हम रात को लेट नाइट में कश्मीरी चाय जो होती है वो सर्व करते हैं बाकर खानियों के साथ। और ये लाउंज में मैंने सब चीज़ें निकाल के रख दी थी, और फिर उन्होंने खुद आकर डेकोरेशन वालों ने सब चादरें वादरें बिछा कर और फिर सब चीज़ें खुद ही सेट कर ली थी। और लाउंज मैंने एक साइड पर एक टेबल थी, उसके ऊपर मैंने सारे बर्तन रख दिए थे जो देख रहे हैं आप। और ये हमने बालूशाही जो मिठाई होती है ये हमने इस ट्रे में, ये बहुत एंटीक ट्रे है, इसमें मैंने सर्व करने के लिए रख दी थी। और सारे फूल हैं और गजरे हैं जो हमारा ट्रेडिशन है, हम जिनकी शादी होती है उनको फूलों के हार पहनाते हैं, गजरे हम तकसीम करते हैं। और ये सारी जो आपको मैंने पहले बताया था ये सब कुछ, और ये नान, ताज़ा ताज़ा नान निकला था तंदूर से, और लाइव कुकिंग में जो नान भी लाइव बना रहे थे और बहुत मज़ेदार था, सबको बहुत पसंद आई थी, खाया था खाना और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बना था, और सब ने बहुत पसंद किया था ढोलकी का खाना। और सबको अल्लाह तौफीक दे कि अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने वालों के साथ खुशी से रहें और अपने घर में महफ़लें सजाते रहें, अपने मेहमानों को दावतें देते रहें। और ये बहुत ही मज़ेदार, देखें ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही मज़े के थे।
और सब ने बहुत इंजॉय की ढोलकी मेरे घर में, और अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे। और इसी तरह आप अपने खुशियाँ बांटते रहें और एक दूसरे को अपने घर में दावत पे बुलाते रहें। और ये चाय का सामान था, कश्मीरी टी बाकर खानी, और बहुत ही अच्छी है। मैंने खुद कश्मीरी टी बनाई थी और इसकी जो रेसिपी है मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगी इंशाल्लाह एक दिन। और ये बहुत ही सबको पसंद आई है कश्मीरी टी भी, और साथ ये बालूशाही और बाकर खानियों का इंतज़ाम भी हमने किया था। और आज तो मेरी रेसिपी नहीं है, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अच्छी और न्यू रेसिपी के साथ। और ये सब खाने सबको बहुत ही फूड पसंद आया था डिनर। और मेहंदी का थाल देखें हमने कितना अच्छा डेकोरेट किया था, मेरी बेटियों ने, मैंने, और मैंने अपने भतीजे को मेहंदी भी लगाई थी और उसको गिफ्ट दिए थे। और सब कुछ बड़ा खुश असलूबी से हुआ था लेट नाइट तक। और मिलेंगे इंशाल्लाह किसी न्यू रेसिपी के साथ, किसी न्यू वीडियो के साथ। और इन्जॉय कीजिए मेरी वीडियो, और अल्लाह हाफिज़।